नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते के हमारे मेहमान हैं चैतन्य कुंते जी, लाजवाब हारमोनियम बजाते हैं और तमाम बड़े कलाकारों के साथ आप उनको संगत करते हुए देख सकते हैं। इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में हमने उनके शुरुआती संगीत सफर पर बात की, इस पर भी बात की कि गायन सीखने के बावजूद उन्होंने हारमोनियम को क्यों चुना और हारमोनियम को लेकर वो क्या विचार रखते हैं। अब इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे जिन बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने संगत की है, उसका अनुभव कैसा रहा और कुछ किस्से कहानियां। देखिए इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। चैतन्य जी, अब आते हैं उस हिस्से पर इंटरव्यू के जो जो आपने अर्जित किया है, जो आपने कमाया है, और कमाने से यहाँ आशय निश्चित तौर पर बैंक में रखे जाने वाले पैसे से नहीं है, बल्कि उन बड़े कलाकारों के आशीर्वाद से है जो आपको अर्जित हुआ। और उसमें मैं जब नाम पढ़ता हूँ, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का, किशोरी ताई का, प्रभा जी का, उधर बनारस चला जाऊं तो छन्नू लाल जी का, ग्वालियर चला जाऊं तो एलके पंडित जी का, मतलब ये विशुद्ध रूप से आशीर्वाद है और कुछ नहीं। सही बात है। और इन महान कलाकारों के सानिध्य में आना और उनके साथ स्टेज पर बैठना और उनके संगीत में सहभाग लेना, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि ईश्वर का प्रसाद है। और ये भी एक सौभाग्य रहा कि हर एक कलाकार ने बहुत प्यार से हमें अब बात ये होती है कि बड़े बड़े कलाकार जैसे हर एक को अपनाते नहीं है, लेकिन ये भी एक रहा शायद इसका ये भी कारण होगा कि जैसे हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, उसी प्रकार इन लोगों का भी आशीर्वाद रहा। अब मैं आपको एक मज़ेदार प्रसंग बताता हूँ। जब मैं पहली बार पंडित भीमसेन जी के संगत कर रहा था प्रोग्राम के लिए, तो हम ग्रीन रूम में थे, तानपुरे उन्होंने मिलाए और उन्होंने मुझे कहा, स्वयं गाने के पहले उन्होंने कहा कि थोड़ा बजाओ कुछ। तो मैं तो एकदम हैरान हो गया कि वो 80 साल के थे और मैं कुछ 20-25 साल का है। तो मैंने कहा कि मेरी क्या औकात आपके सामने मैं थोड़ा कुछ बजाऊं ऐसे। तो नहीं, बोले कि बजाओ। अब तो मैंने कहा कि आप ही बताइए मैं क्या बजाऊं। तो उन्होंने कहा कि मारू बिहार बजाओ। तो एक 10-15 मिनट हमने सोलो बजाया उनके सामने। फिर उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, अच्छा है। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे वैसे,
एक्सप्रेशन से उन्होंने ये बताया कि ठीक है ये। फिर उन्होंने 5-10 मिनट ही वहाँ ग्रीन रूम में गाया, वो ज़्यादा ग्रीन रूम में गाते भी नहीं थे। स्टेज पे हम गए और उन्होंने एकदम से मालकान शुरू किया। तो मेरे मन में यह था कि वो अब जैसे उन्होंने बताया मारुविया बजाने के लिए तो शायद स्टेज पर मारुविया गाएंगे, लेकिन वहां तो एकदम नूर बदल गया और उन्होंने मालकान शुरू किया। तो मैं एकदम हैरान होकर देखने लगा, तो हंस के बोले कि अरे स्टेज की बात अलग होती है और ग्रीन रूम की बात अलग होती है। तो मुझे ये देखना था कि तुम ये जो चेंज है वो आसानी से अडेप्ट कर सकते हो या नहीं। तो एक तरह से वो परीक्षा भी थी और उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया, उसलिए उनकी शाबाश की भी मुझे मिली और प्रोत्साहन भी मिली। बाद में 2-3 प्रोग्राम्स मैंने उनके जो बजाए तो बहुत ही संस्मरणीय क्षण थे जो उनके साथ हमने बिताए। उसी तरह किशोरी ताई के साथ, प्रभा ताई हो, अश्विनी ताई, राशिद भाई, इन सभी के साथ बहुत उन्होंने प्यार दिया और आज भी हमारा आदान प्रदान सांगीतिक रूप से चलता रहता है। और ये हम देखते हैं कि कलाकार को पैसा कितना मिलता है, ये तो बात उसके रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक तो होती ही है, लेकिन उससे भी मैं अधिक महत्व मानता हूँ किन कलाकारों के जो आशीर्वाद मिलते हैं वो अधिक मूल्यवान है मेरे लिए। बिल्कुल। और वो जो रकम कार्यक्रम के बाद मिलती है पारिश्रमिक के तौर पर, वो तो खत्म हो जाती है, वो सबके साथ होता है, लेकिन ये जो क्षण मिलते हैं, जो आशीर्वाद मिलते हैं इन कलाकारों के, वो कभी खत्म नहीं होते, वो आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं। और जो बात आप अभी भीमसेन जी के लिए कह रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि राजन साजन जी से जब मतलब बहुत स्नेह रहा उनका हमारी संस्था के प्रति, मेरे प्रति, तो साजन जी ये कहते थे कि भैया जो है वो घर में कुछ और कहते हैं कि ये हम गाएंगे, ये हम गाएंगे, और वहां जाके स्टेज पे कुछ और शुरू कर देते हैं, और मेरे लिए फिर उसको वहां जाके निभाने से पहले एक बार अलर्ट होना पड़ता है कि अरे मतलब पढ़ के तो कुछ और आए थे, पढ़ के तैयारी करके आए थे भूगोल की, और पर्चा आ गया अंग्रेजी का। अगर तो ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा चैतन्य जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ और ऐसे जो संस्मरण हैं, जो किस्से हैं, वो हमसे आप साझा कीजिए, चाहे वो किसी भी जितने भी आदरणीय और जितने भी बड़े कलाकारों का हमने नाम लिया, जैसा किस्सा अभी आपने भीमसेन जी को का सुनाया, क्योंकि वो आपके माध्यम से उस कलाकार के लिए भी एक खिड़की खुलेगी समझने की उनको, तो कुछ किस्से और हमें ऐसे ही साझा कीजिए हमारे साथ। अभी आपने राजन जी का नाम लिया तो एक बार पुणे में यहाँ ऐसी दिवाली का त्योहार, उसमें प्रोग्राम था उनका। हमारे यहाँ दिवाली पाठ कहते हैं, हमारे सुबह का प्रोग्राम होता है दिवाली में। तो उनका राजन जी साजन जी आए थे और उसके पहले मैंने उनसे थोड़ी बात की थी। उस दौरान मुझे टप्पा गायकी के विषय में पाठ्यवृत्ति मिली थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो उसके बारे में मैं कुछ काम कर रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि बनारस में आपके घराने में तो टप्पे के लिए तो बहुत मशहूर ही है और अलग अलग रागों में जो टप्पे होते हैं, तो उसमें से कुछ अगर आप हमें प्रसाद रूप से देंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो सुबह की महफिल थी और पहला तो राग, 2-3 राग उन्होंने गाए और उसके बाद उन्होंने राग ललत में टप्पा गाया, टप ख्याल जिसको बनारस में कहते हैं, और वो ऐसा खूबसूरत गाए और मेरे तरफ देखकर गा रहे थे, ये तुम्हारे लिए है। तो एक तरह से सचमुच वो उनका एक आशीर्वाद मेरे लिए रहा कि मेरी विनती को मानकर उन्होंने ये एक बहुत ही दुर्लभ रचना उन्होंने पेश की। अब जानते हैं कि बनारस घराने में ऐसी बहुत अनवट अप्रचलित रचनाएं हैं जो ऐसे खुल के गाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, वो जो कुछ खास तालीमदार लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये गाई तो एक तरह से
वो मेरे लिए बहुत एक आशीर्वाद का क्षण था। वैसे पंडिता मालिनी राजूरकर जी, उनका भी बहुत बड़ा स्नेह मुझ पर रहा है। उनसे हमने सीखा भी, उनके पति पंडित वसंतराव राजूरकर जी तो हमारे गुरु ही रहे हैं। और मालिनीताई भी जब भी पुणे आती थी, हम उनको मिलने जाते थे और वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती भी थी। तो कितने सारे टप्पे हों या टपख्याल हो या बंदिशें हों, वो उनसे भी हमें प्रसाद रूप से मिली। और उनका ये एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मन पर रहा है कि जहाँ वो हमेशा कहती रही आई है कि कलाकार पहले एक ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में आप जितने सच्चे और जितने निर्मल हो उतनी आपकी कला निखरेगी। और ये सिर्फ वो कहती नहीं थी, स्वयं के आचरण से उन्होंने ये हमें स्पष्ट रूप से सिद्ध किया था एक तरह से। और वो आदर्श हम आज भी रखते हैं और उनका भी बहुत स्नेह हमें मिला, प्यार मिला। हमारा जो यहाँ पुणे में डॉक्टर अशोक दाराने के आर्काइव्स हैं, जो कि एक संगीत का रिसर्च सेंटर और रिसर्च सेंटर है, तो उसके लिए भी उन्होंने कई सारा मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, किताबें वगैरह डोनेट की। तो आशीर्वाद अरे हर एक कलाकार से अलग अलग रूप में मिले हैं और ये सचमुच मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और जैसे हम लोग छोटे थे, मुझे याद है कि जब जाते थे अपने बड़े परिवार के बड़ों के यहाँ, तो जाते वक्त कुछ पैसा मिल जाता था कि ये पैसा एक तरीके से स्नेह के तौर पर। मुझे लगता है कलाकार जब जाते होंगे, चरण स्पर्श करते होंगे, तो हो सकता है एक आध कोई तान मिल जाए, एक आध कुछ, एक ऐसा कुछ ऐसा कुछ गुण मिल जाए तोहफे के तौर पर, जो मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो, वो अनमोल हो और बेशकीमती हो। खैर चैतन्य जी, आपने समय निकाला और बड़ी विस्तार से हमने बातचीत की, और निश्चित तौर पर एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि आप जो हारमोनियम के लिए आपका जो एक तरीके से मिशन है, उस मिशन में कभी कोई जरूरत हमारी संस्था की तरफ से पड़े, संगीत प्रेमियों को जोड़ने का ही काम हम लोगों ने 7-8 वर्षों में किया है, और नए नए जो नई जनरेशन जो है, जो आज के लोग हैं, उनके भीतर शास्त्रीय संगीत का डर पैदा किए बिना उनको शास्त्रीय संगीत के बारे में अवेयर करना, यानी हम बहुत खुल के ये बात कहते हैं कि डराओ मत संगीत से कि मैंने 50 साल से किया है और मैंने 100 साल से किया है और फिर भी मैं सीख नहीं पाया, प्लीज ये मत करिए, बच्चे डर जाएंगे। उनको बताइए कि ये संगीत है, ये साधना है, और दुनिया की कोई भी कला हो, एक अच्छा पेंटर बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगीत सीखने के लिए ही साधना करनी पड़ती है, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। हाँ तो आप सही किसी बात फील्ड में अगर आपको महारत चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वही हम जी। कहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आप सभी को, दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।